क्या आप लोग भी UPI यूज़ करते हो? ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि NPCI ने UPI को लेकर न्यू रूल निकाले हैं जो आप लोगों को एज ए UPI यूज़र जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप लोगों के साथ स्कैम भी हो सकते हैं, आप लोगों के बहुत सारे पैसे डूब सकते हैं। सो गाइस, माइसेल्फ पायल एंड यू आर वॉचिंग पायल टेक, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रूल नंबर 1, अगर आप लोगों के पास बहुत सारी UPI IDs है पर उन UPI IDs पे आप लोगों ने 1 साल से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है, मतलब किसी को पैसे सेंड भी नहीं किए, किसी से पैसे रिसीव भी नहीं किए। जैसे मेरे पास 7 UPI IDs है लेकिन मैं हर किसी का यूज़ नहीं करती, मैं शायद 1, 2 या 3 का यूज़ करती हूँ, तो बाकी के जो मेरे UPI IDs है वो अनएक्टिव एंड अनयूज्ड UPI IDs में आते हैं। तो अगर मैंने 1 साल के अंदर उन पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, जो कि मैंने नहीं किया, तो वो सरकार की तरफ से क्लोज कर दिए जाएंगे। रूल नंबर 2, अब से हर UPI की आप लोगों को डेली लिमिट 1 लाख रुपीज पर डे देखने को मिल जाती है, बट कुछ केसेस में इसको छूट दी गई है, वो है हॉस्पिटल एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, उनमें आप लोगों को 5 लाख रुपये पर डे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं UPI के माध्यम से। मतलब सिर्फ हॉस्पिटल के बिल एंड एजुकेशन फीस पे करने के लिए आप लोगों को 5 लाख रुपये पर डे का लिमिट दिया गया है। रूल नंबर 3, अगर आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम ऐसे जो भी UPI पेमेंट करने वाली जो ऐप्स है वो यूज़ करते हैं, तो उनके अंदर आप लोगों को वॉलेट का फीचर मिलता है। अब जो भी लोग उस वॉलेट के फीचर को यूज़ करते हैं एज ए बिजनेसमैन, अगर आप लोग उस वॉलेट में 2000 रुपये से प्लस का जो अमाउंट है वो आप लोग रिसीव करते हैं, तो उसके ऊपर आप लोगों को 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा। जैसे मैं पेटीएम में पेटीएम वॉलेट यूज़ करती हूँ, अगर किसी ने मुझे 2000 रुपये से ज़्यादा भेजा और वो मैंने वॉलेट में रिसीव किया, तो दोस्तों वहाँ पर मुझे 1.1% का चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन अगर बैंक टू बैंक सेंड किया है तो कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा। रूल नंबर 4, दोस्तों ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट है UPI को लेकर। दोस्तों यहाँ पर ये अपडेट ये है कि अगर आपने किसी नए पर्सन को 2000 रुपये से प्लस का अमाउंट भेजा है और दोस्तों वो जो अमाउंट है वो रिसीवर को रिसीव होगा 4 घंटे डीले में। वो इसलिए किया गया है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा फ्रॉड स्कैम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये सब हो रहा है UPI के माध्यम से मोस्टली, क्योंकि UPI क्या है, फट से पेमेंट हो जाती है। एक बार किसी इंसान को पोपट बना के उसका पैसा ले लिया तो उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते वो, और अगर वो पैसा वापस उसको पाना है तो बहुत सारे चक्कर खाने पड़ेंगे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। और दोस्तों अगर ये वाला फीचर ना मेरे टाइम पे आ जाता तो मेरे साथ भी स्कैम नहीं होता। मेरे साथ 2-3 साल पहले 3-4 स्कैम हो चुके हैं और जिसमें मैंने अपने 2-3 हज़ार रुपये गंवा दिए थे। इसकी स्टोरी हाँ मैंने कभी शेयर नहीं की, वो अलग बात है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसकी स्टोरी शेयर कर दूंगी, जैसे HUL का किया था कर दूंगी आप लोगों की सेफ्टी के लिए, ठीक है। अब वो फीचर क्या है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो फीचर ये है कि आप लोग 4 घंटे के अंदर वहां पर एक कैंसिल का ऑप्शन होगा पेमेंट करने के बाद, तो उस कैंसिल का ऑप्शन को क्लिक करके कैंसिल भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपने अगर किसी स्कैमर को पैसे सेंड कर दिया और आप टेंशन में हैं तो वहां पर कैंसिल भी कर सकते हैं और आप लोगों का पैसा आपके पास सेफ रहेगा। लेकिन इसका इस्तेमाल स्कैमर लोग यूज़ कर रहे हैं, वो लोग नए UPI IDs बना रहे हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम पे अकाउंट बना रहे हैं, उसके बाद शॉपिंग मॉल पे जा रहे हैं या फिर कुछ भी खरीद रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं और उसके बाद घर आके उसको कैंसिल कर रहे हैं। चीज़ों का चीज़ भी हो गया, पैसा का पैसा भी हो गया, तो इस तरीके से स्कैम कर रही है। आई होप कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इसलिए नहीं कि वो लोग भी ऐसे स्कैम कर सके, इसलिए क्योंकि ये रूल उनको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि उनके साथ कोई स्कैम ना कर सके। रूल नंबर 5, दोस्तों अब से आप लोग UPI एप्स के अंदर आप लोग अपने कार्ड को ऐड कर सकते हैं एंड टैप टू पे का फीचर यूज़ कर सकते अपने फ़ोन को यूज़ करके। इसका मतलब एक तरीके से हो गया आप लोग कार्डलेस पेमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को NFC का सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इसमें आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि अगर आपका जो फ़ोन है उस पर NFC का सपोर्ट है तभी आप लोग ये जो टैप टू पे वाला फीचर है इसको यूज़ कर सकेंगे, वरना आप लोगों के फ़ोन में काम नहीं करेगा। लेकिन लेटेस्ट जो भी 5G फोन्स आ रहे हैं उनमें आप लोगों को ये फीचर देखने को मिल जाएंगे। रूल नंबर 6 एंड लास्ट रूल, दोस्तों अब से आप लोगों को UPI के ATMs देखने को मिलेंगे। दोस्तों हाँ आप लोगों ने एकदम सही सुना, UPI के ATMs जापानीज कंपनी हिताची इसको बना रही है, हमारी गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है इसको बनाने के लिए। तो इस ATM के मदद से आप लोग अपने किसी भी बैंक अकाउंट से आप लोग अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं और इसको यूज़ करने के लिए पर्सनली मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। दोस्तों आप लोगों को इनमें से कौन सा अपडेट बेस्ट लगा आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको भी इस रूल के बारे में पता चले।